Assalamualaikum and good morning everyone. This is Bilal Azam और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Being a Traveler. और Being a Traveler की पिछली एपिसोड आपने मेरी बैंकॉक एयरपोर्ट पे देखी, जहाँ पे मेरी ऑफिशियली चाइना की सीरीज़ हो गई थी ख़त्म, लेकिन मैं अभी भी बैंकॉक एयरपोर्ट पे ही हूँ. और मैंने कहा आपको ज़रा मैं अपडेट कर दूँ कि आगे क्या सीन है. सीन ये है कि एक्चुअल में जब मैं अपनी बीजिंग से लाहौर की टिकट करवा रहा था, तो मुझे थाई एयरवेज मिली जो कि वाया बैंकॉक थी. और पहले तो मैंने लाहौर वाला सीन अपना बुक करवा लिया, लेकिन फिर मैंने देखा यार जब मैं थाई एयरवेज से आ ही रहा हूँ बैंकॉक, तो क्यों ना ज़रा चेक करें अगर मैं अपना इधर थोड़ा सा सीन एक्सटेंड कर लेता हूँ थाईलैंड के अंदर. तो मैंने जब अपनी फ़्लाइट को थाईलैंड में ब्रेक किया, और मैंने सोचा कि अगर मैं बैंकॉक में बाहर निकल जाता हूँ और फिर दोबारा यहाँ से जाता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क पड़ रहा था मुझे 700 रुपये का, 700 रुपीज़ ओनली. तो मैंने फिर जनाब ये किया कि जो मेरी फ़्लाइट थी लाहौर बीजिंग से लाहौर जाने वाली वाया बैंकॉक, मैंने उसको ब्रेक कर दिया. और हमारी आज से ऑफिशियली सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है थाईलैंड की. छोटी सी सीरीज़ होगी जिसमें मैं अभी बैंकॉक एयरपोर्ट से ही अगली फ़्लाइट लूँगा, और बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर मैं यहाँ से जाऊँगा फुकेट. फुकेट में हम डिफरेंट आइलैंड्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे अगर बारिशें ना हो रही हूँ तो, बिकॉज़ ये बारिशों का सीज़न चल रहा है. तो इंशाल्लाह यहाँ से आलमोस्ट बस कोई आधे घंटे तक हमारी फ़्लाइट है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ से हम जाएंगे फुकेट. और प्लस ये कि मेरे अब्दुलरहमान, तो मेरा कज़न मेरे साथ ही था, मेरा एक और कज़न लाहौर से आ रहा है जो मुझे ज्वाइन करेगा यहाँ पे फुकेट के अंदर ही, उसे भी आपसे मिलवाते हैं. इस वक्त मैं आया हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर ही, जो इनका कोरल बिज़नेस लाउंज है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत. यहाँ पे आके अभी सबसे पहले मैंने कहा मैं ज़रा कॉफ़ी पी लूँ, कैपेचिनो, ये देखें कितनी ज़बरदस्त है. और ये पीने के बाद फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी से अपनी फ़्लाइट पकड़ के हम लोग जाएंगे फुकेट. तो मैं पीता हूँ कॉफ़ी, आप थोड़ा सा वेट करें और स्टार्ट करते हैं हम अपनी थाईलैंड की सीरीज ऑफिशियली. बैंकॉक एयरपोर्ट पे रोबोट्स ऑटोमेटिक सफाई कर रहे होते हैं, कोई बंदा नहीं है इसको ऑपरेट करने वाला, मशीन खुद ब खुद चल रही है. ओके जी, सो गेट्स ओपन हो गए हैं हमारे फुकेट की, हमारी फ्लाइट है. और बादल तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, अल्लाह करे यार बस फुकेट में बारिश ना हो. चले जी, पहुंच गए जी हम लोग फुकेट, और फुकेट से हम लोग अपने बैग को लेकर सब लोग यहाँ पर आते हैं अपनी हॉलीडे स्पेंड करने. द मोस्ट टूरिस्टी प्लेस इन थाईलैंड इज फुकेट, बिकॉज यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का पानी, यहाँ के बीचेस सबसे खूबसूरत है. और मसला ये हुआ है कि हमारे जो दूसरे कज़न फुकान ने हमें ज्वाइन करना था लाहौर से, उसकी लाहौर से फ़्लाइट ही लेट हो रही है, और उसने इसी फ़्लाइट में हमें ज्वाइन करना था, वो नहीं आ सका. तो अब देखते हैं उसको कौन सी फ़्लाइट मिलती है. ये देखें जी, ये हमारे वेलकम के लिए करी हैं, कप एंड खा, थैंक यू. तो देखें थाईलैंड में आपको कितना ज़बरदस्त वेलकम मिलता है, सिर्फ चाइना में नहीं मिलता, थाईलैंड में भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है. फुकेट का एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाते हैं हम फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अराइवल इन फुकेट थाईलैंड. बैंकॉक में बाहर नहीं निकले थे, बैंकॉक हम जाएंगे बाद में, पहले हम 3-4 दिन ज़रा यहाँ पे गुजारेंगे. ब्यूटीफुल, खूबसूरत टाइल्स लगी हैं यहाँ पे. हमने अपनी बेल्ट नंबर देखनी है सबसे पहले, किस बेल्ट पे आएगा हमारा, बेल्ट नंबर 6 पे आएगा हमारा बैग्स. तो ये है फुकेट का एयरपोर्ट, छत काफ़ी छोटी सी है लेकिन लाइटिंग और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ एसी लगाया हो यार इन्होंने.
एयरपोर्ट से निकल के हम लोग बाहर आए हैं। वैसे अगर आप आएंगे तो सब लोग आपसे एयरपोर्ट के अंदर 180 बात या 200 बात मांग रहे होंगे पतोंग बीच पे जाने के लिए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की शटल बस लेते हैं तो ये सिर्फ आपसे 100 बात जो है वो चार्ज करती है। आपने 100 बात की इनसे इनको कैश देना है और करेंसी आप एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करवा लें और वहाँ से 100 बात आप इनको दे कर आ जाते हैं इस शटल बस के अंदर। अब ये शटल बस तकरीबन 40-45 मिनट लेगी और हमें पहुंचा देगी हमारे पतोंग बीच के ऊपर जहाँ पे हमारा होटल है। ऑल राइट जी, सो फाइनली हम लोग बस पे बैठे अपने एयरपोर्ट से और उतर गए हैं हम पतोंग बीच के ऊपर। और ये है बंगला रोड, बड़ी फेमस रोड है ये फुकट की। रात को इधर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था, सुबह तो इधर उल्लू बोल रहे हैं, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है यार, ये मसला है। मेरा प्लान ये था कि हम जल्दी जल्दी होटल पहुँच के बाइक रेंटल करते और थोड़ा सा यहाँ पर बीच के साइडों पर जाके अपनी जो है वो बीच एक्सप्लोर करते और बाइक को इंजॉय करते, लेकिन इधर हल्की हल्की अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। और जो अभी दूसरा कज़न है फुरकान, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा, उसको नेक्स्ट फ्लाइट मिल गई है 10-11 बजे की। सो जैसे फिर आता है हमारा कज़न फिर हम लोग निकलेंगे और आई होप कि बारिश कम हो गई हो। ये तो मुझे डर लग रहा है यार, अगले 3 दिन भी अगर बारिश रही तो हमारा तो प्लान चौपट हो जाएगा फुकट का। तो भाई ऐसे आप जब फुकेट के अंदर आते हैं तो ये हर जगह के ऊपर ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे वो आपको आइलैंड्स वगैरह के ट्रिप्स कराए जाते हैं। ये सारे फेमस आइलैंड्स हैं, जेम्स बॉन्ड आइलैंड जहाँ पे जेम्स बॉन्ड की मूवी बनी, फिफी आइलैंड भी बड़ा फेमस है लेकिन अभी आजकल इसका कुछ हिस्सा बंद किया हुआ है तो मैं इसको नहीं कर रहा। राफ्टिंग इधर करवाई जाती है, वाइट वाटर राफ्टिंग एक और है, इसी तरह राया आइलैंड है। तो मैंने अभी अगले 3 दिन की बुकिंग इनसे करवा ली है, होपफुली अगले 3 दिन बारिश नहीं होगी और हम कुछ अच्छे आइलैंड्स जो है वो कवर करके आपको अगली एपिसोड्स के अंदर मैं दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत बीचेस होते हैं यार यहाँ पर। तो अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पर, ये देखें आप सब लोग इधर रेनकोट के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। शाम का टाइम है, दिस इज़ फेमस बंगला रोड और यहाँ पर अभी शाम होने वाली है ऑलमोस्ट, और अभी कज़न हमारा अभी तक नहीं पहुँचा, हम ढूँढ रहे हैं उसको क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई मेथड नहीं है। सिम हम अभी तक ले नहीं पाए क्योंकि सिम इधर बहुत ज़्यादा महंगी फ़िलहाल बिक रही है, तो हम ढूंढना चाह रहे हैं यार कोई मिल जाए अच्छी सी हमें सिम सस्ती। सिम फ़िलहाल एयरपोर्ट पे 300 बात की मिल रही थी, हमने नहीं ली, जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे 400-450 बात की मिल रही है। ओके जी नाज़रीन, तो हम लोग अपने होटल से एक दफ़ा आ गए हैं दोबारा बीच के ऊपर, अपनी हमने कल की आइलैंड्स की बुकिंग करवा ली हैं और फाइनली मेरा कज़न आ गया है फुरकान, फाइनली पहुंच गया फ्लाइट डिले कर आके, लाहौर से भी लेट उठा और यहाँ पे पहुंच गया। हमारे पास कोई सिम भी नहीं थी, रबता भी नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली पहुंच ही गए हैं, ढूंढ लिया है। तो फुरकान जो है क्या करता है यार? मेरा ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर भी है और ब्रांड्स भी हैं, 2-3 प्राइवेट लेबल्स हैं जिनको मैं रन करता हूँ। जितने भी बेसिकली फीमेल के कुछ ब्रांड्स हैं उनको बेसिकली रन कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टोर वगैरह, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। अगर आपने कुछ ब्रांडेड क्लोथिंग देखनी हो, डिज़ाइनर क्लोथिंग देखनी हो दुकान की ब्रांड की, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आ गए हैं जनाब फेमस पतोंग बीच के ऊपर जहाँ पर हमारा होटल है और ये है जनाब इसका फर्स्ट व्यू। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और स्पेशली अगर आप ये देखें पैरा सेलिंग हो रही होती है बड़ी ज़बरदस्त। तो ये लैंडिंग हुई है, चेक करें, ये पूरी रोप जो है वो उस कश्ती के साथ बंधी हुई है और इस कश्ती के साथ कर रहे होते हैं आप लोग। अच्छा जी, ये भाई करवा रहे हैं यार पैरा सेलिंग। हाँ कितने की, कौन सी है ये? 30 मिनट 1500 जेट्स की है, पैरा सेलिंग है 1500। ओह नो नो नो, 1500 नो, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है, नहीं 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 सेम नहीं।
नहीं 800 करते हैं, 800 बहुत। ओके जी, मैंने तो ये पहले पैरासेलिंग ऑलरेडी की हुई है, तो फुरकान करने लगा है यहाँ पे। हमने इसके साथ रेट डन किया है 1100 बात का। एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है, तो ये पहले हार्डनेस बनाएंगे, ये चेक करें। और वो ऊपर से इतना कलरफुल इन्होंने ये देखिए ये बनाया होते हैं ना पैरासेलिंग के पैराशूट्स। सनसेट हो रहा है और क्या खूबसूरत समुंदर है। फूकी की सबसे पहले बारी आ गई है, सबसे पहले हार्डनेस बना दिए इन्होंने, सेफ है वैसे, हुक्स काफ़ी मोटी हैं, बस ये है कि पानी पे लैंड नहीं करना चाहिए। ये लास्ट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लैंडिंग जो है वो पानी में भी हो जाती है कभी ना कभी, खुदा ना खास्ता। तो इधर काफ़ी लोग हैं जो सब लोग यही एक्टिविटी कर रहे हैं। पतोंग का ये जो बीच है ये सबसे ज़्यादा लाइवली है, यहाँ पे लोग स्विमिंग भी करते हैं। पानी आप यूँ समझ लें कि लाइट ब्लू है इसका, बहुत ज़्यादा वो जो एक सी ब्लू कलर होता है वो नहीं है, वो अगली एपिसोड में आपको दिखाऊंगा। जी फुरकान को हुक कर दिया इन्होंने और टाइट हो गया फौरन टाइट हो गया। और ये पूरी रस्सी आगे सामने वो कश्ती को बंधी हुई है, और ये रस्सी टाइट हो गई और ये क्या, ओ रन रन रन। बड़ा नीचे जा रहा है कोई, ऊपर चल ऊपर चल नीचे रहा डिप हो जाएंगे तो मुझे लग रहा है, ऊपर ही नहीं जा रहा है, अब जाना शुरू हुआ ऊपर। वाओ मैं तो क्या, बहुत ज़बरदस्त साइड पर चला गया यार। हाँ जी अब्दुलमान मैं फ़िलहाल जो पतोंग का बीच है वो एंजॉय कर रहा हूँ। वाइट और लाइट ब्राउन सी इसकी सैंड है और बड़ी मज़ेदार, आपके पाँव पे चिमड़ती भी नहीं है। यार ये जो मोड़ काटते हैं ये सबसे ख़तरनाक होता है, इतना नीचे चला जाता है कि आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर आप डूबने लगे हैं पानी में। ओ बहुत नीचे चला गया यार, ओ भाई ओ ये तो लैंड करने लगा है। हाँ भाई उठा, ओ वाह यहाँ पे स्टॉल्स काफ़ी, ये मुस्लिम लेडी ने भी लगाया होता है इधर, ये बना के देती हैं पैनकेक्स वगैरह और इसके अंदर कुछ मीठा डालती हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे फ्राइड राइस फ्राइड नूडल्स वगैरह बना के दे रहे हैं, तो हमने इनको ऑर्डर किया। तो यहाँ पे हम बनवा रहे हैं इनसे चिकन फ्राइड राइस की एक प्लेट, जो कि हमें पत्ते के ऊपर डाल के देंगे यहाँ पर। और पहले ये चिकन फ्राई कर रहे हैं लाइव, उसके बाद ये डालेंगे यहाँ पे ये वेजिटेबल्स और राइस, और दूसरी तरफ यहाँ पे बन रहा है पराठा। इस दफ़ा वैसे में मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा फीमेल मुस्लिम फीमेल स्काफ के साथ यहाँ पे स्पेशली फुकट के अंदर नज़र आ रही हैं। तो ये पहले ये मैदे को ऑयल के साथ लगा के काफ़ी ज़्यादा उसको बड़ा बना देती हैं, उसके बाद इसमें फिर ये एग डालती हैं, एग के बाद अब ये बनाना स्वीट और पता नहीं क्या क्या क्रीम चॉकलेट्स वगैरह इसके ऊपर डालती हैं। ये पैनकेक के ऊपर इसने कंडेंस मिल्क डाला है, अब ये मीठी मीठी स्टिक्स पराठा उसके अंदर एग और उसके ऊपर कंडेंस मिल्क, ये अब आप खाएंगे। ऐसे ही यार पूरे फुकेट के अंदर जितने भी स्टॉल्स हैं ये देखें ऐसे फीमेल सारी चलाती हैं,
ज़्यादातर आपको 90% फीमेल्स ही स्टॉल चलाती नज़र आ रही होंगी। ये यार मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ पतोंग बीच फुकेट के अंदर इनका स्ट्रीट फूड और इनका फर्स्ट इम्प्रेशन देखें आपको। पहले मैंने वहाँ पे सारा बीच दिखाया, बीच एक्टिविटीज़ दिखाई। यहाँ पे ये हलाल फूड आपको थ्रू आउट थाईलैंड में अब बहुत इजीली मिलता है। पहले मुझे इतना ज़्यादा नहीं कभी नज़र आया था, लेकिन इस बार मुझे थाईलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं फीमेल्स का आपके साथ, और हलाल फूड भी अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है यहाँ पर। ये देखें यार जो फ्रेश चिकन फ्राइड राइस बनते हैं ना, इनका मज़ा ही अलग है। लो जी हमारी प्लेट तैयार हो गई है और ये हमें पड़ी है, ये प्लेट ऑलमोस्ट हमको पड़ गई है 80 बात पाकिस्तानी 800 रुपीज़ की। यार भूख ज़्यादा लग रही थी, हम दोबारा से बंगला रोड के ऊपर आए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें चिकन की कुछ आइटम्स मिल गई हैं, तो हमने यार यहाँ से हमने एक विंग्स ऑर्डर कर दिया है, यहाँ से कुछ चिकन के पीस ऑर्डर कर दिए हैं, एक हमने बर्गर ऑर्डर किया। बर्गर की प्राइस देख लो यार, ये 69 है, ज़ीरो बस लगा दो तो पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाएगा 690, और इसी तरह ये 50 है तो ये 500 बन जाएगा। तो ये सीन है, और इस वक्त यहाँ पे बंगला रोड पे अभी शाम हो रही है बड़ी अच्छी, आहिस्ता आहिस्ता हल्का सा म्यूज़िक लगा हुआ है यहाँ पर और ट्रैफिक चल रही है। ये हमारे भाई आए हैं जी पंजाब से, इंडियन पंजाब से, बठिंडा से आए, तपा मंडी से आए हैं यार ये, और ये भी कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। ये है मज़ीद यहाँ पे एक फूड आउटलेट जहाँ पे अब क्रोकोडाइल का टिक्का भी मिल रहा है, बीफ का टिक्का है, ये डक मीट है, ये हम चाइना में खाए थे, चिकन तो हर कोई खाता है, और ये पॉर्क का है, और उसके बाद ये क्रैब का है, और ये श्रिम्स है, बाकी ऊपर ये सारी सब्जियां हैं, बैंगन, भिंडी, मशरूम्स, ब्रोकली, ये काफ़ी बहुत बड़ी एक इन्होंने इधर फूड स्ट्रीट बनाई हुई है। इसमें ज़्यादातर आपको सी फूड मिलता है, और ये बंगला रोड के ऊपर ही फुकेट में आपको है नज़र आती है। ओके जी, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, शाम होने वाली है, हमने बाइक रेंट पर ले लिया है। आपको थोड़ा सा फुकेट की रोड्स दिखाते हैं यहाँ का। एक बाइक हमने ये लिया 250 बात, और ये 250 बात 24 आवर्स के लिए आपको यहाँ पे बाइक मिल जाती है। ऑलराइट जी, सो आज हम मोटर व्लॉगिंग करेंगे फुकेट के अंदर। इंटरनेशनल लाइसेंस आपको ज़रूर लेकर आना है। आपका लाइसेंस जो पाकिस्तान के अंदर बना होता है, आने से पहले आपने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बना कर आना होता है, और मैं अपना बना कर आया था। उसी लाइसेंस को जो हमारे पुलिस स्टेशन वाले हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस में। 1000 के करीब अब आई थिंक अब प्राइस हो गई होगी इसकी। शाम होने वाली है, और क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं उस वजह से लग रहा है कि शाम जल्दी हो जाएगी। और हमने प्लान ये किया है कि फुकेट के एक बहुत ही माउंटेन के टॉप के ऊपर बिग बुद्धा बना हुआ है, और उसके टॉप पर हम जाना चाह रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रोशनी रोशनी में ही हम चले जाएँगे, सूरज तो आँख में चोली खेल रहा है, नज़र नहीं आ रहा। रोड बहुत खूबसूरत है, लेकिन शाम हो रही है बस, ये हमारे पास टाइम कम था, हमने कहा हम फुकेट की रोड्स के ऊपर एक दफ़ा बाइक चला लें। जी तो ये तो था हमारा पहला दिन फुकेट के अंदर, थाईलैंड के अंदर, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने उठना है और यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड विजिट करेंगे। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की हम बोट की राइड के ऊपर करेंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको अगले एपिसोड में। अभी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, हम काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं बीजिंग से बैंकॉक, और बैंकॉक से
तकरीबन 9 घंटे ट्रांजिट में गुजारने के बाद फिर हम यहाँ पे पहुँचे, और फुकान भी क्योंकि काफ़ी लेट पहुँचा था यहाँ पर, तो बस अभी चल रहे हैं हम अपने रूम में। आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह जो फुकेट का बहुत ही खूबसूरत बीच इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।